हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने अभी तक 180 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। हम 180 वर्ड, हाँ, पूरे 180 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का वर्ड है इनएविटेबल। हाँ, ये दोनों वर्ड कल डिस्कस किए थे। फ्रैगल, कोमल या दुर्बल, इसका सिनोनिम बताया था वीक। और यूनिक, यूनिक का जो सिनोनिम बताया था वो स्पेशल। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल, जिसका मतलब है अनिवार्य या अपरिहार्य, मतलब इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, जरूरी। उसी तरह इनएविटेबल मीन्स अनिवार्य। इसके ऑप्शन दे रखे हैं फाउंडेबल, इनवीएबल, ऑप्शनल या नेसेसरी। तो ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक या ऑप्शन, जैसे हमने बता रहे हैं ऑप्शन। इनवीएबल ईर्ष्या योग्य, नेसेसरी अनिवार्य। इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब गुलामी। बॉन्डेज मतलब हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते। तो बाउंड मतलब बांधना, किसी को बांध कर नहीं रख सकते। तो बॉन्डेज मतलब गुलामी। इसके ऑप्शन है चेन्स, सेवरी, इम्प्रिजनमेंट और फैटर्स। तो फैटर्स मतलब बेड़ी, हथकड़ी। चेन्स मतलब जंजीर या चेन। सेवरी गुलामी, दास्ता। इम्प्रिजनमेंट कारावास, प्रिजन मतलब जेल। फैटर्स बेड़ी या हथकड़ी। तो बॉन्डेज का राइट सिनोनिम हो जाएगा सेवरी। जैसे हम बोलते हैं स्लेव, तो स्लेव मतलब गुलाम। तो स्लेव, सेवरी मतलब गुलामी, और बॉन्डेज का सिनोनिम हो जाएगा सेवरी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटर, मतलब चापलूसी करना या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो ऑप्शन है लव, लव मतलब प्यार। एस्टीमेट मतलब अंदाज़ा लगाना। हेट घृणा करना। और प्रेज बड़ाई करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रेज। फ्लैटर का सिनोनिम प्रेज। नेक्स्ट वर्ड है एस्पायोनेज, मतलब जासूसी या भेद लगाना। ऑप्शन है लीनेज, स्पाइंग, प्लानिंग और पायोनियरिंग। लीनेज मतलब जाति या गोत्र। स्पाइंग, स्पाई मतलब जासूस, स्पाइंग मतलब जासूसी। प्लानिंग योजना बनाना, प्लान मतलब योजना, प्लानिंग मतलब योजना बनाना। पायोनियरिंग मतलब अनुसंधान। तो एस पायोनेज का जो सिनोनिम है वो है स्पाइंग। इसके बाद है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली या समस्या। तो ऑप्शन है डिफ़िकल्टी, पजल, ट्रूथ, फियर। सिंपल से वर्ड है फियर मतलब डर, ट्रूथ मतलब सच, पजल मतलब पहेली। सोल्व दिस पजल कई बार हमने पढ़ा है, सोल्व दिस पजल। तो पजल मतलब पहेली, डिफ़िकल्टी मतलब मुसीबत। तो एनिग्मा का जो सिनोनिम है वो है पजल। नेक्स्ट है कंक्रेंस। कंक्रेंस मतलब सहमति। इसके ऑप्शन है करेंसी, एग्रीमेंट, ओकरेंस, कंक्वेस्ट। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, कंक्रेंस का सिनोनिम एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब भी करार, सहमति होता है, अनुबंध होता है।
ये देखिए नया वर्ड है जेल, इसकी स्पेल है GAOL, मतलब ये जेल प्रोनंशिएट करेंगे इसको, प्रोनंशिएशन इसका जेल होता है, तो इसका जो सिनोनिम है वो जेल ही है JAIL। बर्ड पक्षी सभी को पता है, इजी वर्ड है, गार्डन मैदान, डेस्टिनेशन स्थान। आज का हमारा लास्ट वर्ड है लोथिंग, इसका मतलब होती है घृणा नफरत, और यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है हेट, हेट मतलब भी घृणा होती है, तो हेटर्ड, हेटर्ड मतलब घृणा, इसका सिनोनिम हो जाएगा हेटर्ड। अफेक्शन मतलब स्नेह प्यार, अफेक्शन मतलब दिखावा ढोंग, वर्म मतलब गर्मजोशी गर्मी। ये देखिए वार्म इसमें जुड़ा हुआ है, वार्म, वार्म मतलब भी गर्म होता है, तो वार्म गर्मजोशी या गर्मी। दोस्तों ये थे आज के हमारे वर्ड्स, कल फिर नए वर्ड्स के साथ रहेंगे हम, तो देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।